प्रेम प्रसंग के चलते युवक पर गोली से जानलेवा हमला। गांव के ही दो युवकों ने घायल मोहित पर किया गोली और चाकू से ताबड़तोड़ हमला, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने सूचना पर पहुंची पुलिस के साथ घायल युवक को मेरठ मेडिकल में भर्ती कराया है। बता दें कि घटना के 4 घंटे बाद पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़कर पूछताछ की, जिसके चलते प्रथम दृष्टि से मामला प्रेम प्रसंग का ही बताया जा रहा है। आपको बता दें कि मेरठ के मवाना थाना के क्षेत्र के मडोरा गांव में सुबह सवेरे इस वारदात को अंजाम देने के बाद पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया था। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर SP देहात केशव मिश्रा पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और मामले की छानबीन की। हालांकि घायल युवक की हालत बेहद ही नाजुक बनी हुई है, जिसका इलाज मेडिकल में चल रहा है। तो वहीं इस घटना में परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, गांव में तनाव की स्थिति बनी हुई है। थाना मवाना में आज प्रातः दो व्यक्ति जिनका नाम शिवम और अर्पण है, इनके द्वारा एक व्यक्ति जिसका नाम मोहित है उसको गोली मारकर घायल कर दिया गया था। तत्काल पुलिस बल के द्वारा मौका मुआयना किया गया एवं घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। घटना होने के 4 घंटे के भीतर पुलिस के द्वारा दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का प्रतीत हो रहा है। अग्रिम पूछताछ बहुत गहनता से की जा रही है, अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, इन दोनों को जेल भेजा जाएगा। मेरा भतीजा आशा का क्या घटना हुई आपके भतीजे के साथ? सुबह जो है मेरे पास फोन आया कि जोत जला रहा था सुबह माड़ी में, जारवीर बाबा का मंदिर है गांव में मेन सड़क पर, उन्हीं के सामने उनका घर है बच्चों का, ये जोत जला रहा था। वे दोनों भाई आए हैं, दोनों चाचा ताऊ के लड़के हैं, दोनों के हाथ में कट्टे और चक्कू था, उन्होंने आकर इस पर हमला कर दिया इकट्ठे हुए जोर जलाते समय। रोचक खबरों के लिए यू ही जुड़े रहे हमारे साथ, और हाँ, हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। नीचे दिए बेल आइकन को जरूर